सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के बाद पथराव और अधिकारियों और जवानों पर जानलेवा हमला व मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। घटना के बाद वायरल वीडियो के आधार पर 12 घंटों के भीतर सदर थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर 8 महिला समेत 49 हमलावरों और उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले में 132 नामजद समेत 300 के विरुद्ध ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारियों और जवानों पर जानलेवा हमला करने और वाहनों लूटपाट करने की प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी राकेश रंजन ने घटना को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में नाजायज मजमा लगाकर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर चुनौती पेश करने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं एसपी ने आम लोगों से गैर कानूनी मामलों में संलिप्त न होने की अपील की है। कहा है कि मामले के अनुसंधान के बाद प्राथमिकता के आधार पर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया में वायरल वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस अनुसंधान में आगे बढ़ रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर ही हमलावरों, उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ना तो कोई दोषी किसी भी परिस्थिति में बच सके, ना ही कोई निर्दोष फंसे, क्योंकि कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं है। गिरफ्तार सभी हमलावर को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल भेज दिया गया है। कल हमारे जिले में एक अत्यंत ही निंदनीय घटना घटी है, जिसमें हमारे जिले के ही कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया और एक रोड एक्सीडेंट के बाद वहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे एक अधिकारी पर हमला किया और उन पर उनको तरह तरह की चोटें पहुँचाई गई। बाद में जो पुलिस पदाधिकारी और फोर्स वहाँ पर पहुँची, उन पर भी पथराव किया गया है। इसके बाद हम लोगों ने जो वीडियोज़ हमारे पास आए थे उनको आइडेंटिफाई करके कुल 90 नामजद और लगभग 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आइडेंटिफाइड लोगों में से 49 लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और उनको आज न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाएगा। अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। मैं इस अवसर पर सभी जिलावासियों को एक बात बताना चाहूँगा कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार हम में से किसी को भी नहीं है। यदि इस तरीके की कोई घटना घटती है तो उस पर पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जाती है, और उस पर इस तरीके से अटैक करना, हमला करना, ये अत्यंत निंदनीय है और सोचने का विषय है। जितने भी गार्जियंस हैं, अधिकतर लड़के नए उम्र के थे, आप जब इस तरीके की हरकत करते हैं तो आपका खुद का करियर तो ख़राब होता ही है, आप समाज पर भी एक दाग लगाते हैं। ये हम लोग सबके लिए आत्मचिंतन का विषय है। कानून अपना कार्य करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने भी उपद्रवी इसमें शामिल हैं उन सभी को चिन्हित करके, जिन लोगों ने भड़काने का काम किया है भीड़ को, उनको चिन्हित करके और उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे पुलिस बल ने काफ़ी सूझबूझ के साथ और काफ़ी आत्मसंयम के साथ कार्य किया, जिसका परिणाम यह है कि कल कोई भी बड़ी घटना हो नहीं घटी। इसके लिए रिपोर्ट R9 भारत।